नमस्कार। तो स्वागत है आपका ऑन कॉमिक्स डॉट। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा इंडियन डॉक्टर ऑक्टोपस को और पवित्र को जो क्रिकेट खेल रहा था और हार जाता है क्योंकि फ्लैश को पेल जो रहता है। अगर एपिसोड 2 आपने नहीं देखा है तो जाके पहले एपिसोड 2 देख के आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड नंबर 3 को। तो रोल द इंट्रो। तो स्टोरी शुरू होती है और हमें दिखता है सपनों की नगरी मुंबई, जहाँ किसी स्टार की नेपोटिज्म के चूजे की शूटिंग चल रही थी और मूवी के सेट पे ही होता है धमाका। अपना डॉग ऑग भी नेपोटिज्म बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता दोस्तों, पर तबाही फुल सपोर्ट करता है, इसलिए स्कूल को तोड़ने लगता है और कहता है, बाहर आ जाओ स्पाइडर, डॉक्टर आया है, यहाँ तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा। तो पवित्र आता है अपना रिस्पॉन्सिबल बंदा, वो बॉयज वॉशरूम की तरफ भाग के चला जाता है और सोचने लगता है, ये कैसा डॉक्टर है बे जो मुझे ठीक करने के बजाय बीमार बनना चाहता है, और इसे मेरी असलियत के बारे में कैसे पता चला। और पवित्र अपने कपड़े खोलता है और क्योंकि उसे स्पाइडरमैन भी तो बनना है यार, समझते नहीं हो। और डॉक ओक वॉशरूम के दरवाजा तोड़ देता है और कहता है, बहुत पागल है स्पाइडर, अब तुम्हें इंजेक्शन दूंगा मौत का। पवित्र कहता है, चुप कर चमन चूके। डॉक्टर ऑक्टोपस गुस्से से लाल पीला हो जाता है और पवित्र कहता है, तुम अपने आप को डॉक्टर कहते हो, शुक्र है तुम थेरेपिस्ट नहीं हो, अगर तुम थेरेपिस्ट होते तो तुम्हें गुस्सा बहुत आता है। डॉक्टर ऑक्टोपस हमला करता है पवित्र पे, सिंस पवित्र का स्पाइडर सेंस यहाँ पे अच्छा है, इसलिए वो सारे हमलों को दोष करके जोक क्रैक करने लगता है। और मौका मिलते ही अपना स्पाइडी डॉक ओक को एक कुएं जैसी खाई में वेब से बांध देता है और उठने में ही एक आंत और एक बच्चे के ऊपर एक पत्थर गिर रहा होता है। वही तभी स्पाइडरमैन उसे बचाने लगता है और डॉक ओक मौका मिलते ही मौका देख के यहाँ से कल्टी मार लेता है। और यहाँ स्पाइडी भी घर चला जाता है, पर रात होने के कारण वो रेंग के अपने रूम में जा रहा होता है, पर तभी उसकी चाची जाग जाती है और पवित्र भी बहाना बना दे रहा है कि उसे वो तो 2 घंटे पहले ही घर पे आ गया था क्योंकि उसका स्कूल में मैथ जो था और वो सो गया था। और दूसरी तरफ नलिन ओबेरॉय और डॉक्टर ऑक्टोपस डिमंस को अनलिश करने के प्लान कर रहे थे, पर एक रिचुअल की वजह से उनको चाहिए स्पाइडरमैन। जैसे मूवी में होता है डेली बुगल, वहाँ पे इंडिया पे है न्यूज़पेपर कंपनी जिसका नाम है दी मुंबई कर, और हेडलाइन होता है मुंबई का नया नायक या खलनायक। पर सरप्राइज सरप्राइज फ्लैश भी स्पाइडी का फैन होता है। वो सब फिर घर चले जाते हैं और पवित्र घर जाके देखता है उसके घर टूटा फूटा है और उसकी चाची भी घर पे नहीं है और दीवार पे लिखा है NO। NO का मतलब होता है नलिन ओबेरॉय। तो इसी के साथ इशू नंबर 3 की कहानी होती है खत्म। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसे ही कॉमिक वीडियो कॉमिक बुक एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलते रहेंगे। और एपिसोड 4 के लिए भी सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना अगर आप स्पाइडी फैन हो।